उत्तराखंड देवों की भूमि देवभूमि। यहाँ एक शहर जो पहाड़ों में बसता है, अल्मोड़ा। शहर शरीफ पर टेढ़ा मेढ़ा सा रास्ता है। खास तो है शहर जो घुमक्कड़ों को लुभाता है, अपनी ठेठ पहाड़ी जिंदगी से लोगों को रूबरू कराता है। आज निकले हैं सफर में। सफर तो आम है। अल्मोड़ा से 35 किलोमीटर दूर शिव का एक धाम है। नदी एक तरफ और हर तरफ देवदार है। देवताओं की घाटी और जागेश्वर जगह का नाम है। तो चलिए चलते हैं जागेश्वर की तरफ। अल्मोड़ा से जागेश्वर के लिए एक बस है जो धारनौला से दिन में 12 बजे जाती है, और आप चाहो तो टैक्सी भी बुक कर सकते हैं या फिर टैक्सी शेयर करके भी जा सकते हैं। अगर सफर लंबा लगे तो ब्रेक लेने के लिए दो मेन मार्केट आते हैं, पहला तो बाड़ीछीना और दूसरा पनवानौला। पनवानौला से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर आरतोला आता है। यहाँ से जागेश्वर के लिए लेफ्ट और आगे दनिया या पिथौरागढ़ की तरफ जाने के लिए राइट। जागेश्वर में 124 मंदिरों के समूह में दंडेश्वर उनमें से एक है। ये जागेश्वर मंदिर परिसर से थोड़ा ऊपर की ओर है। यहाँ से जागेश्वर की मार्केट स्टार्ट होती है। मार्केट खत्म होते ही कार पार्किंग प्लेस है। COVID-19 को ध्यान में रखते हुए एंट्री करते ही आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। इसके लिए अपना आधार या फिर वोटिंग कार्ड कैरी करना ना भूले। हेलो एवरीवन, नमस्कार, प्रणाम और पहला, मैं हूँ मीनाक्षी कन्वर और आज आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम आए हैं उत्तराखंड के सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा के पवित्र धाम जागेश्वर धाम पे। तो आज हम आपको यहाँ के कुछ मंदिरों के दर्शन कराएंगे। अभी COVID-19 को ध्यान में रखते हुए दिया गया हुआ है, तो जैसा भी होगा थोड़ा बहुत हम आपको जितना भी मंदिर के बारे में होगा कुछ मिल के उन पुजारियों से आपको उसके बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए चलते हैं। ये इस ग्रुप में 125 मंदिरों का समूह है। 108 शंकर जी के हैं अलग अलग और 17 मंदिर और देवताओं के। इनमें मुख्य मंदिर हैं जागेश्वर भगवान जी और केदारनाथ जी और पुष्टि माता और महामृत्युंजय, हनुमान जी, नवदुर्गा, अन्नपूर्णा, नीलकंठ, सूरी, नवग्रह, बालेश्वर और वरुण देवता और तांडेश्वर, नकुलिशा। ये मंदिर जो है वहाँ पर भगवान राम ने भी तपस्या करके यह कहावत है, और रावण, कुंभकर्ण, राजा दशरथ, परशुराम जी, भीषण जी ने भी तपस्या करके है। फिर द्वापर युग में पांडवों ने भी यहाँ पर तपस्या करके है, यह कहावत है। फिर लवकुश ने भी यहाँ पर यज्ञ कर रखा है, सामने कुंड है लवकुश। अब वर्तमान में कमल कुंड जो है आदि अनादि काल से यहाँ पर विराजमान है। बार ज्योतिलिंग जो बने, शिवलिंग की उत्पत्ति पहले यहीं से हुई है, इसके बाद 12 ज्योतिलिंग बने। कहा जाता है यहाँ भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग जागेश्वर स्थित है। जागेश्वर को उत्तराखंड का पांचवा धाम भी कहा जाता है। इसको लेके ये भी कहा जाता है कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से ये 8वीं ज्योतिर्लिंग है। जागेश्वर महादेव के मुख्य परिसर से पैदल दूरी पर एक छोटी पहाड़ी पर कुबेर मंदिर है। इस मंदिर को अत्यधिक चमत्कारी माना जाता है। ये मंदिर परिसर मुख्य मंदिर परिसर से लगभग 300-400 मीटर दूर है। इस परिसर के दो मुख्य मंदिर हैं, कुबेर मंदिर और देवी चंडिका मंदिर। कुबेर का मंदिर, जिसके बारे में कहा जाता है कि कुबेर आज भी यहाँ वास करते हैं।
जागीश्वर का सफर तो यहाँ पूरा हुआ, अब चलते हैं इस सफर की अगली कड़ी को जोड़ने। इस सावन के मौसम का और इन बेहतरीन नज़ारों का मजा लेते हुए अब हम पहुँच गए हैं चीते मंदिर। गोलू देवता का मंदिर, जिन्हें न्याय का देवता भी कहा जाता है, यहाँ लगी घंटियाँ और चिट्ठियाँ इस बात का सबूत भी है कि लोगों का इन पर कितना अटूट विश्वास है। चीते गोलू मंदिर में भक्त मन्नत मांगने के लिए चिट्ठी लिखते हैं। इतना ही नहीं, कई लोग तो स्टाम्प पेपर पर लिखकर अपने लिए न्याय मांगते हैं।